Welcome to another session of the joint collaboration between Empowering Women, Public Space and Climate Change and Caravan Crafts Foundation. Today we have Mashal Khan, who's going to be together with me interviewing Sobia Amir, who's an entrepreneur from Multan in Pakistan. So we continue this collaboration between us, where we continue these interviews that we have already started to conduct with the first initial introduction session that we had with Mashal and I. So Mashal and Sobia, of course, welcome. Assalamu alaikum, Sobia bhaji. Apna thoda sa taaruf kara sakte hain? Ji, mera naam Sobia Amir hai. Main Multan shahar se hoon aur mujhe kaafi time ho gaya hai, 7-8 saal, 9 saal ho gaye hain बिजनेस में आए हुए. तो जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो उस वक्त घर वालों से थोड़ा सा मैं करना चाहती थी. स्टार्टिंग जो ली मैंने वो डो वर्क से ली. डो से जो फ्लावर्स बनते हैं वो मुझे बड़ा उसका होता था कि मैं ये बनाऊं. फिर थोड़ा सा मैंने उसकी कोई ट्रेनिंग ली इस्लामाबाद से, कुछ सीखा. फिर जैसे कोई सिखाता था फिर ऑनलाइन सीखा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट था आर्ट के साथ ना. तो फिर ये कि मैंने स्टार्ट किया, बनाना शुरू किया घर में. तो कुछ चीज़ें बनाई, फिर अपने इर्द गिर्द जैसे कुछ लोगों को दिखाई कि भी मैं ये बनाती हूँ, तो उनको भी अच्छा लगा. तो वो इस तरीके से वो मुझसे बाय करने लग गए ना. तो फिर उसके साथ मुझे और आर्ट में हुआ कि मैं फैब्रिक पेंटिंग करूँ. तो फिर मैंने घर में ही वो स्टार्ट किया, कुछ थोड़ा सा सीखा. फिर उसको एक दिलचस्पी थी तो मैं उसको उसमें इनोवेशन लाती रही. तो वक्त के साथ फिर डिफरेंट मैंने एनजीओस को ज्वाइन किया. तो उधर से मुझे कुछ ऐसा है कि उनसे भी ट्रेनिंग्स भी ली और वो कुछ सिखाते रहे कि किस तरीके से आपको करना है. जैसे सेशंस होते हैं तो वो इस तरीके से मैं वो करती रही ना. तो फिर स्लो स्लो इस तरीके से मेरा काम चलता रहा और मैं उसमें मज़ीद अपना बढ़ती गई. तो जैसे जैसे टाइम गुजरा उसमें मेरे बनाने में उसमें भी इनोवेशंस आती रही और अच्छे से अच्छा काम होता रहा. घर वालों से फिर मैंने ये कहा कि भी मैं अपना काम लेकर जाना चाहती हूँ बाहर. तो फिर ये कि कारवा क्राफ्ट के साथ अटैच हुई मैं. उससे पहले मैंने एक और है USAID के साथ मैंने उनकी एक ट्रेनिंग ली. फिर मिला मुझे तो उन्होंने मुझे फैब्रिक पेंट और डो वर्क पर मुझे काम दिया कि आप इस पर ट्रेनिंग देंगी तो आपके अपने ही कम्युनिटी के जो लोग होंगे आसपास. बेसिकली मेरा जो इलाका है यहाँ पर गरीब लोग हैं ज़्यादातर ना, तो एजुकेशन की भी उनको कमी है. तो इस तरह तो मैंने सोचा मैं अपनी कम्युनिटी को ही आसपास जैसे हैं उन्हीं लड़कियों को इकट्ठा करूँ. तो उसमें 20 लड़कियाँ थी मेरे साथ तो जो ये काम करना चाहती थी. मैंने फिर उनको उन्होंने प्रोजेक्ट मुझे घर पर ही दिया कि आप इनको सिखाएं, चेक बैलेंस हम लोग खुद करेंगे. USAID के साथ ना चैम्बर के साथ कनेक्टेड था. तो फिर मैंने उसमें उनको फैब्रिक पेंटिंग सिखाया, डो वर्क सिखाया. तो उससे फिर मेरा ये के काम तैयार हुआ. फिर हमने जैसे कुछ एग्जीबिशंस आसपास जैसे छोटी सी होती है या आसपास के लोगों को, तो वो सेल आउट किया ना हमने थोड़ा थोड़ा. तो उनका भी काम चल पड़ा वो जो मेरे साथ अटैच थी. तो इस तरीके से फिर मैंने कपड़े का उस पर पेंटिंग और हैंड एम्ब्रॉयडरी तो ये मिलकर हम लोग ये करते रहे. तो माशाल्लाह आज मैं अपना बिजनेस जो है वो रन कर रही हूँ. और कारवा के साथ उन्होंने बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स दी जिनसे हमने सीखा, जिससे कॉन्फिडेंस आया हमारे अंदर. जो औरतें खवातीन घर में बैठी हुई हैं तो उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं और वो अपने कॉन्फिडेंस से काम कर रही हैं. और आज माशाल्लाह मैं अपने घर को अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रही हूँ. अच्छा भाई, अपना ये बताएं कि जब आपने शुरू में कारोबार शुरू किया था, आपने कहा था कि डो वर्क से शुरू किया था, तो उसमें आपको आने जाने में कोई मसले मसाइल हुए थे कि घर से पहली दफा जब आपने कदम बाहर रखे थे तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस था? घर से निकलते हुए प्रॉब्लम्स तो होते थे काफी, कि आना जाना बाजार से शॉपिंग करना. तो उसमें ये कि मार्केट तक जाने में कन्वेंस का होता था इशू. तो उसमें ये कि अब काफ़ी हमारे ये इसमें बेहतरी भी आ चुकी है कि जैसे बस पर हमने जाना हो तो उसमें औरतों के लिए अलहदा हमारे पोर्शन एक है. तो उसमें
इजीली हम लोग सफर कर सकते हैं। थोड़ा सा यही जानना चाहिए कि जो मसाइल आते हैं आने जाने के हिसाब से वो क्या होते हैं, खावतीन को दिक्कत क्यों होती है अपना कारोबार शुरू, तो वो कौन से मसाइल है वो एक दो हमें बता दें। उसमें दिक्कत ये थी कि घर से निकलना मेन होता है, कि घर से निकल कर मार्केट तक जाना, तो उसमें चीज़ों को परचेज करना, तो ये सारी चीज़ें देखना। तो उसमें ये कि हस्बैंड थे, मैंने उन्हें कहा कि आप भी मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करें कि मैं जाना चाहती हूँ, तो आप मुझे बाहर तक लेकर जाएं, तो उनकी तरफ से भी सपोर्ट थी मुझे, तो बस इस तरीके से फिर आसानी होती गई। तो आपने से कि अभी तो आपने कहा था आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया था आपको आने जाने के, उसमें आपको ऐसे कौन सी चीज लगती है कि आपको ज्यादा सिर्फ आपको नहीं दूसरे खावतीन को वो आने जाने के लिए ज्यादा आसानी है, तो कौन सी ऐसी सहूलतें हैं, कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए आने जाने के लिए कि जो आपके लिए ना आपको लगता है कि आपके लिए जगह ज्यादा महफूज है कि आप अकेली भी शायद बाहर जा सकें। जैसे मेन तो ये चीज़ है कि सफ़र करना, जैसे दूसरे शहरों से कुछ ऐसे देहात हैं जिन्होंने शहर में आना होता है और आकर यहाँ से कुछ चीज़ें जैसे परचेज करनी है, तो रास्ते में कन्वेंस का एक मेन है इशू जो कि वो सॉल्व होना चाहिए, कि उसमें उनका किराया भी इतना ना लगे और वो इजीली आ सके। तो अब उसमें ये कि बस सर्विस थी, उसमें जैसे आते थे तो काफ़ी सारे इश्यूज़ होते थे उसमें, तो ख़वातीन को ये देखना पड़ता था कि सफ़र कर रही हैं तो क्या आसानी हो, तो उसमें ये आसानी गवर्नमेंट की तरफ से हुई कि बस सर्विस हो गई, औरतों के लिए लैदा पोर्शन बन गया, जेंट्स के लिए वो इजीली अपना कम पैसों में थोड़े से उसमें अपना उसमें सफ़र करके अपनी जगह पर वो पहुंच जाती हैं। तो मार्केट में जैसे कुछ पहले तो ये था कि कुछ जगह ऐसी भी नहीं पता थी कि चीज़ें कहाँ मुनासिब रेट पर मिलती हैं, तो वो उसमें भी दिक्कत आई, तो हमें कारवां से भी ये ट्रेनिंग्स मिलती रही कि आपको मार्केट है कैसी ऐसी मार्केट हो जहां आप जाके अपना होलसेल की मार्केट्स का कुछ हमें अवेयरनेस वहां से भी मिली कि आपने वहां जाना है, क्योंकि ये एक दिक्कत थी हमारे लिए। अगर हम लोग महंगी चीज़ बाय कर लेते थे तो जाहिर है आगे इतनी नहीं, तो होलसेल मार्केट से कनेक्ट कराने में भी कारवां का काफ़ी सारा है कि उनकी जो कुछ ट्रेनिंग्स ली उन्होंने हमें इससे आगाह किया कि फलां जगह है अगर आप उधर जाएंगे तो आपको ये होलसेल पर प्राइस में मिल जाएंगी चीजें, तो आप उसको इजीली उसमें बना सकते हैं। मोटरसाइकिल घर की आप कैसे आती जाती, चल के जाती हैं, मोटरसाइकिल क्या करती हैं? मैं विडा पर भी अक्सर चली जाती हूँ, विडा पर ना बस सर्विस जो है उसमें अलहदा से पोर्शन है, तो वो इजीली कम पैसों में एक अच्छी प्लेस पर हम पहुंच जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना वो हमारे लिए बेहतर रहती है, वो कम उसमें हम लोग अपने उस पर सफर पर जा सकते हैं काफी दूर तक भी, वो हमें उसमें सेफ भी, क्योंकि पोर्शन उसमें अलहदा है गवर्नमेंट की तरफ से एक सेफ्टी के साथ, एक औरत अगर अकेले भी जाए तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है उसमें, तो वो हम अपनी वहाँ प्लेस तक पहुँच जाते हैं जहाँ जाना होता है। अपने आपको आने जाने के लिए किस तरह लगता है कि आप ज्यादा महफूज या ज्यादा सेफ फील करती हैं कि मैं चादर लूंगी तो ज्यादा सेफ है या अबाया पहनूंगी तो ज्यादा सेफ है, कि आने जाने के लिए आपको कैसे थे कि आप अपने आप को कैसे महफूज रखती हैं? हाँ, उसमें ये कि अगर हम बिल्कुल ओपनली जाएंगे तो फिर लोग हमारी तरफ मुतवज्जो होते हैं ना, देखते हैं कि बिल्कुल अगर दुपट्टा नहीं लिया हुआ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी सोसाइटी कुछ आसपास के लोग इस तरह है ना, तो एक माहौल भी होता है ना कि कुछ ऐसा माहौल होता है जहाँ पर लोग इस तरह नहीं देख रहे होते, तवज्जो नहीं कर रहे होते, कम्युनिटी का कल्चर का थोड़ा सा फर्क होता है। अब मेरे आसपास की जो कम्युनिटी है तो यहाँ का ये इशू है कि यहाँ पर जो है लोग बस गरीब हैं, लोग एजुकेशन की कमी है उन्हें, इतनी तालीम याफ्ता नहीं है, तो उसके लिए ये कि चादर अगर ओढ़ लें तो बेहतर है, लेकिन मैं अबाया पहनती हूँ जब मार्केट में मुझे जाना होता है, यहाँ से निकल कर जाना होता है, तो मैं अपना उसमें अपने आप को सेफ महसूस करती हूँ, तो अबाया पहन कर मैं जाती हूँ अपनी मार्केट तक, जैसे मुझे शॉपिंग करनी होती है अपने काम से रिलेटेड, तो वो एक चादर ली हुई या अबाया वो बेहतर है मेरा ख्याल में अपनी सेफ्टी के लिए। वो बताएं अकेले जाने में आप कितनी दूर तक खुद जा सकती हैं? अकेले तो मैं अब काफी प्लेसेस पर गई हूँ, शुरू शुरू में तो मुझे काफी सारे प्रॉब्लम होता था कि मैं कैसे जा सकती हूँ दूसरे शहर में मैं अकेली, तो इसमें भी कारवां का काफी सारा उनका रोल है कि उन्होंने ये सिखाया है
कि आप अपने आप को कैसे सेफ तरीके से एक दूसरी जगह पर जाकर आप अपनी एग्जीबिशन कर सकती हैं। तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस उन्होंने सिखाया, सेफ्टी के साथ आपको अपनी बस में जाएं और आगे से आप किस तरीके से ऑटो लेकर एम्पोरियल मॉल तक आप पहुंच सकती हैं। तो वो कॉन्फिडेंस पहले नहीं था, वो माशाल्लाह इन्होंने ट्रेनिंग दी और सिखाया, हमें साथ अपने लेकर चले। तो आज मैं दूसरे उसके अलावा और सिटीज में भी जा सकती हूँ उसी कॉन्फिडेंस के साथ जो वो मुझे बिल्डअप हुआ वहाँ। अब आप जब आती जाती रहती हैं इस तरह, खुद आपने कोई इस तरह की कोई वाकया देखा था कि आप लगते हैं कि कम्युनिटी में आपके साथ अगर नहीं है, किसी और के साथ देखोगे कि कोई छेड़खानी हो रही है तो आपने उसको देख के आपको लगता है कि कम्युनिटी ने उसमें एक्शन क्या ली थी? आपको लगता है जो एक्शन अगर ली थी तो अच्छी ली थी? तो आप अपने इस तरह कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकती हैं कि आपने कोई देखे देखे में कुछ देखा हो कि इस तरह के कोई वाकया अगर हुआ हो तो उसमें क्या दिया जी कम्युनिटी ने हाँ आपसे? बिल्कुल। एक मर्तबा मैं एक पार्क में गई तो वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, तो मेरे साथ मेरे बच्चे भी थे, तो हम लोग ऐसे ही सैर के लिए गए। तो वो उस लड़की को ना एक लड़का बार बार उसको कुछ बातें कर रहा हो, आवाजें कस रहा हो जैसे होता है, तो वो बड़ी घबरा रही हो ना, बहुत अपने आप को एम्बेरस फील कर रही थी। तो मैंने उसको देखा, एक दो बार देखा, फिर वो वही उसमें ही रहा। मेरा दिल चाहा कि मैं उठकर इसको कहूँ कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तो फिर ऐसा हुआ कि वो बाज नहीं आया ना, फिर मैं उठकर गई। मेरा दिल चाहा उसको एक थप्पड़ लगा दूँ ना इस बात पे, कि जितना वो परेशान हो रही है और वो उसको बार बार इस तरीके से तंग कर रहा है। तो मैं उसके पास गई, मैंने कहा तुम इस तरह कर रहे हो तो उसकी जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट, वो आप उसकी खराब कर रहे हो, आपको ये मुनासिब नहीं देता कि आप इस तरह करो, तो बेहतर यही है कि आप यहाँ से चले जाओ। क्योंकि मैं देख रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह वो बच्ची महसूस कर रही थी अपने अपने आप को अनसेफ। तो मैंने उसे कहा कि अगर तुम ना गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी ना, तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसने जब ये बात देखी ना कि भी ये कॉल भी कर सकती है ये आकर जो इस तरह कह रही है, तो वो फौरन वहां से ना चला गया है। हमारे मुआशरे में जाहिर है कि इस तरह की औरतों के जो राइट से अगर उनको पता होंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं अगर कोई हरासा करे, तो हाँ वैसे तो यहाँ पर हमारे लोग भी बहुत अच्छे हैं, अगर कोई ऐसा वाकया हो तो वो फौरन आ जाते हैं, बल्कि मार कुटाई भी कर देते हैं, वो पीटने से भी बाज नहीं आते कि अगर कोई छेड़ा है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी फैमिली की तरह ही समझते हैं, जैसे है कोई औरत है या क्या है, उसकी सेफ्टी के लिए ये लोग भी काम करते हैं। इसके लिए बेहतर है कि यही कि हमारे जो इदारे हैं उनको चाहिए कि एजुकेट करें उन खवातीन को जिनको नहीं है, अवेयरनेस सेशन ऐसे दें वुमेन राइट्स पर, ताकि वो उनको अपना पता हो कि अगर ऐसा कोई हमें हरासा करे तो शॉर्ट ट्रेनिंग से अगर उनको मिल जाए तो उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वो उससे सीख सीख सकेंगी, और अपने कोई ऐसे वाकियात हो या को उनको एक कॉन्फिडेंस होगा कि अगर कोई हमारे साथ ऐसा करेगा तो हम कॉल कर सकते हैं, हम बुला सकते हैं। तो ऐसी कम्युनिटी को बीच में आना चाहिए और ऐसे शॉर्ट ट्रेनिंग्स और सेशन ऐसे होने चाहिए उन लोगों के लिए जो इतने एजुकेट नहीं है, तो उनको ये एजुकेशन। इसमें चेंजिंग नजर आए कि लोगों की सोच में या बिहेवियर में कोई बदलाव आपको नजर आए? बिल्कुल ऐसा लोगों की जब हम एक रोल मॉडल सामने होगा तो जब दूसरे भी उस चीज को देखते हैं तो उनका भी दिल चाहता है कि मैं भी ऐसे बनूं। तो जाहिर है इसमें फिर चेंजिंग इसी तरह आती है, जब कोई एक उस तरीके से चल रहा होता है, वो सब कुछ सीख रहा होता है, तो दूसरा भी यही चाहता है, तो वो चेंजिंग तो आएगी मुआशरे में इस तरह कि जब एक से दूसरा और दूसरे से तीसरा, तो उससे वो सीखना चाहेंगे, वैसा बनना चाहेंगे, तो हमारा माशरा इंशाल्लाह जरूर चेंज होगा। और इसके लिए जरूरत है कि वो एजुकेट किया जाए उन बाकी भी खवातीन को, जैसे एक रोल मॉडल आपके सामने है या उसने किया है तो उसको देख के और भी, तो इसमें यही बेहतरी तभी आ सकती है कि हम लोग उनको मजीद और कम्युनिटी उसको एजुकेट करें, एनजीओ जो है उनको सपोर्ट करें, उनको ट्रेनिंग्स दें, इस तरीके से तो वो लोग बढ़ेंगे और ज्यादा, आज एक है कल दो, फिर इस तरीके से तो बढ़ता ही चला जाएगा ना, मुआशरा तब्दील होगा।
आप उन लोगों को क्या कहेंगे जो कहते हैं कि अभी खावतीन को बाहर नहीं निकलना चाहिए, उनको घर पे ही बैठना चाहिए, लेकिन इस तरह के वाकयात हो जाते हैं तो खावतीन को घर पे ही बैठेंगे तो ज्यादा महफूज होंगे, तो इन लोगों के लिए आपके लिए क्या मैसेज होगा? इन लोगों के लिए मैसेज यही है कि वो इस चीज को समझें जो काम कर रही हैं, क्या उनमें उन्होंने चेंज नहीं देखा, क्या वो एक रोल मॉडल जो काम कर रही हैं, क्या उन्होंने ऐसे फेस नहीं देखे। तो उनको, उन लोगों को देखना चाहिए कि अगर कोई ऐसा इशू होता तो वो औरतें भी रुक जाती, वो अपना जा रही हैं बल्कि अपने सपोर्ट कर रही हैं, तो वो लोग उनको देख कर ये सीखें कि अपनी खवातीन को वो घर में ना रखें, अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो वो उनको इजाजत दें। हाँ, मैं एक घरेलू खवातीन नहीं मेरा शुमार आता है, लेकिन आज मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और माशाल्लाह अपना बिजनेस कर रही हूँ। तो ये तभी हुआ ना कि घर से परमिशन मिली। मैं उन लोगों को ये मैसेज दूंगी कि आप अपने उन लोगों को देखें, उन खवातीन को देखें जो अपना बिजनेस रन कर रही हैं, उनसे सीखें, उनसे पूछें, और फिर अपनी खवातीन को भी इजाजत दें ताकि घर में जो वो भी आपके लिए सपोर्ट करे और आपको आगे लेकर चले। बेहतरीन। और आप खुद ये करती हैं सोफिया भाजी, जैसे जो आपके विमेन मेंबर्स आप उनके घर पे जाती हैं, आप उनको थोड़े से उनके फैमिली मेंबर्स वगैरह को थोड़ा सा मोटिवेट करती हैं कि भाई जैसे मैं निकली हूँ तो आपके? बिल्कुल करती हूँ, और वो करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी मेरे आसपास के घर हैं जो बहुत ज्यादा इस बारे में उनकी सख्त तबीयत थी, और वो कहते थे कि नहीं, आप घर से नहीं निकल सकती, आप काम नहीं कर सकती। तो जब उन्होंने मुझे देखा तो उनको परमिशन मिली। वो इवन ये भी होता था कि वो मेरे घर तक भी नहीं आ सकती थी, लेकिन स्लो स्लो ऐसे हुआ कि उन्होंने उनको परमिशन दी कि आप जाओ उनसे सीखो। तो माशाल्लाह वो भी औरतें जो हैं वो अपना काम कर रही हैं और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हैं। तो इस तरह हमारा माशरा चेंज हुआ, एक रोल मॉडल से ही देखते हुए आगे से आगे, तो वो लोग उनको भी इजाजत देने लगे कि अगर वो कर सकती हैं तो आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि देख रहे होते हैं माहौल कैसा है, सेफ है, सब कुछ है। तो मैं उनको भी कन्विंस करती हूँ, उनकी फैमिली को, उनके घर में जिस तरह जेंट्स हैं तो उन्होंने परमिशन दी है इसकी, और वो काफी ऐसी खवातीन हैं जो माशाल्लाह अपना काम कर रही है, हाँ, पॉजिटिवली अपने एक वे पर चल रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं साथ साथ। तो अच्छा सभी बहनी, मुझे ये बताएं कि जो इस तरह की जो दूसरे बनी होते हैं कि जैसे आपने कहा था कि हम तो एक अच्छे घर से हैं, लेकिन कई लोग दूसरे इलाकों से भी आते हैं, शायद ये मुल्तान में शायद थोड़ा सा ज्यादा आसान हो, लेकिन जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से अगर आ रहे हो जैसे भावपुर, रेमिया खान, डीजे खान, आपको लगते हैं उधर थोड़े से जैसे लोग ज्यादा पर्दा करने वाले होते हैं, आपको लगता है कि उधर थोड़े ज्यादा मुश्किल मसाइल होते हैं, लेकिन अगर होते हैं तो ये उनका कल्चर की वजह से होते हैं, ये इतना रजाबंदी क्यों होते हैं कि आप नहीं निकल सकती, आपको पहले थोड़ा सा अगर इजाजत लेनी होती तो उसको कैसे लें? मैं आपको बताती हूँ, एक इलाका है जहाँ से मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी अपनी करा रही हूँ। तो उस इलाके में ये है कि उनका इतना खूबसूरत काम है ना, उनकी खवातीन बहुत अच्छा काम करती हैं। तो मैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो कहती हैं हमारे घर वाले हमें बहुत पर्दा कराते हैं, कोई अगर औरत भी आती है तो उसको भी उनके अंदर आकर रूम में बस वहां तक इजाजत है, कि घर वाले कहते हैं जी पर्दा करें, आप घर से बाहर नहीं जा सकती। वो एक पूरा इलाका है वहां पर जो खवातीन है वो उन पर यही सख्तियां हैं, हाँ, कि मैन तो बिल्कुल आ नहीं सकता ना, जो आदमी है उसका तो बिल्कुल नॉट अलाउड है। तो खवातीन भी जो हैं तो वो भी बहुत मुश्किल से, वो कहते हैं इनसे आप इंटरेक्ट मत रहें। तो मैं जब उनके साथ, अब मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ, तो जब वो देखते हैं, मैंने कहा मैं भी पर्दा कर कर आती हूँ, अबाया पहन कर आती हूँ, लेकिन एक लिमिट में रहकर पॉजिटिव वे में जाकर मैं काम कर रही हूँ, तो आप भी कर सकती हैं, आप अपने काम को लेकर आए बाहर। तो इस तरीके से उनके, जाहिर जेंट्स भी होते हैं वो सुनते हैं इस बात को। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि अगर आप, ठीक है पर्दा पर्दे में रहें, आपको ये नहीं हम कहते कि आप पर्दे से बाहर आए, लेकिन पर्दे में रहकर आप बाहर जाके अपना जो हुनर है उसको आप लेके जा सकती हैं, अपने काम को लेके जाए। मैं बल्कि उनका कर भी रही हूँ कि आपके काम को मैं आगे लेकर जाऊँ ना। तो लेकिन ये सख्तियाँ चल रही हैं, अगर जैसे हम लोग वहां पर जाकर भी सेशंस दें, इस तरीके से ट्रेनिंग्स दें, कुछ उनको करें, तो जाहिर है जेंट्स भी घर होते हैं तो वो भी आते जाते सुन रहे होते हैं, तो सॉफ्ट कॉर्नर उन वो भी रख सकते हैं कि अगर ये खवातीन कर रही हैं तो हम लोग भी इजाजत दें।
तो जाहिर उनके लिए भी सपोर्टिव होगा कि वो घर में सपोर्ट करेंगी, काम करेंगी, तो ऐसा मुमकिन है तभी कि जब वहां से हम लोग जाएं और उनको इस बारे में कन्वेंस करें। So Bia has explained of the kind of micro entrepreneurship journey, her journey of how she feels in public space or when she's traveling, and also the recommendations. Maybe I'm unsure if there was a covering of what she would advise young women who are also wanting to start their own business and what advice she would give them. मैं उनके लिए मैसेज ये दूंगी कि आप उनसे सीखें जो कर रही हैं, तो आप अपने अंदर एक हिम्मत लाएं, तो आप ये जज्बा रखें कि आप सब कुछ कर सकती हैं, अपने पॉजिटिव वे में आप जाके आप सब कुछ कर सकती हैं, तो आप उस तरफ बढ़ें, अपने घर वालों से इजाज़त लें, तो इंशाल्लाह जो आप करना चाहेंगी अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेगा, तो आप वो कर सकती हैं। तो उसमें ये कि घर वालों से भी आप अपनी इजाज़त लें और अपने उस काम की तरफ आप करें, तो एक दिन आप उन रोल मॉडल्स को आप देखती हैं तो आप भी उस तक पहुंचेंगी। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, तो जो कोशिश करता है उसके लिए ज़रूर मदद आती है। तो सबसे बड़ा डर क्या होता है जो फैमिली वालों को होता है कि वो इसलिए अपनी बेटियां या वो बीवी को भेजना नहीं चाहते। सबसे बड़ा डर हमारी उनके आसपास की कम्युनिटी है, जो इनलिटरेट पीपल्स हैं, जो के बातें करते हैं कि अब आपकी बेटी बाहर जाएगी, अब वो ये काम करेगी, तो वो लोग उन लोगों से डरते हैं। उनके आसपास का जो लोग, उनको एजुकेशन की कमी है और वो उस चीज़ को नहीं समझते, तो वो लोग ही बातें करते हैं। हाँ, तो ये सारा इश्यू है, तो ये वजह को देखते हुए वो कहते हैं कि बहू बेटी या जो भी वो बाहर जाएगी, तो लोग पहले तो ये लोग आ जाते हैं ना कि वो लोग बातें करेंगे, फिर दूसरी बात ये है कि वो उनका जाना कि वो घर से बाहर कैसे जाएंगी, ये सारे इश्यूज हैं। तो इन इन बातों को लेते हुए तो वो कुछ खवातीन तो आसपास के लोगों को कि बाहर वाले लोग क्या कहेंगे, उससे वो अपना अंदर जो कुछ करना चाहती हैं वो ही नहीं कर सकती, सिर्फ आसपास की जो इलिटरेट पीपल्स हैं उनकी वजह से। तो ये एक मेन इश्यू है, ये चीज नहीं सोचनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। आप अपनी उसमें लिमिट में रहकर आप काम करें, तो कल को वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, वही लोग कहेंगे कि इसने तो बहुत अच्छा काम किया। तो ये सारी उन लोगों की परवाह ना करें, जब हम ये लोगों की परवाह करना शुरू करते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोफिया भाई। आई थिंक आपकी अहम बात ये है कि हमें अपने अंदर खुद इतनी कॉन्फिडेंस और खुद एतमादी होनी कॉन्फिडेंस, चाहिए, हम कॉन्फिडेंस इतना डरे नहीं कि माशरा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। हम बस अपने काम पे फोकस रखें और फोकस हिम्मत रखें, जुटाएं, हमारे फोकस रखें, जो घर वाले हैं वो उस पर रखेंगे, वो तवज्जो देंगे कि भाई हमें सोफिया बाजी पे ये सिया मशेल पे पूरा भरोसा है कि ये दिल लगा के काम कर रही है, और हमें इस पे भरोसा कि ये कोई करें गलत नहीं करें उठाएंगे, तो हम मास्टर जो करें भी बोल रहे हैं हम उसको ना देखेंगे। थैंक यू सो मच अपने टाइम के लिए, इतना ज्यादा शेयर किया अपना एक्सपीरियंस वगैरह के, उसके लिए बहुत शुक्रिया। That was an incredible session. Mashal, thank you for that, conducting that interview. I think there's a lot of interesting aspects to the cultural aspect, the micro entrepreneurship aspect, her own journey, and then also, of course, just how she feels when she's traveling and this seeking permissions from the family. What's your opinion? How did that go for you and your feedback? Incredibly confident woman, that's what came across. Yeah, I think it's like what it comes across like if someone has made up their mind if they want to achieve something, then they find some way to like convince their families that are like, okay, this is important, I want to support my family, I want to create like a better livelihood for us. I think that's what the entrepreneurship is all about. Like, so since it's like showing them the benefit, like, oh, if you just add another person
another helping hand into the life in the household, then that way, like my husband's working, I'm working, that way we can craft a better future for our children. So it's just like getting like other people, like poor, like loved ones buying into the thing, like it's okay. Why don't you go? So first, what I've noticed in like the caravan trajectory, like if someone is coming from a more conservative family, and they're kind of shy of sending their women on their own, we kind of give them the permission, like, hey, it's okay. If you are feeling a little bit very, you can come with your daughter or with your wife, or like if you want to send an aunt, etc. That's completely fine. So why don't you come with them, see how what this is all about, whether they want to come in the trainings, or since they're going to be traveling to another city, if you want to come with them to Lahore for the first time and see like how everything is okay, like the lodgings, like coming from the bus from one district to another is completely fine. What food they're getting. So when they see, they're like, okay, they're in a nice, secure environment. For the next time, they feel much more confident and say like, oh yeah, and they came here, they made much more money. So I think it's like a slow buy-in, but I think it's just like the first step there. It's like the women has to say they have a little bit of a confidence and like, oh, I want to do this, so they can convince their like loved one that I see value in this, and not just for myself but for the entire family and neighborhood. So yeah, and it's really about trust, isn't it? Building that trust then with the family, that they allow that freedom for the women to continue the journey of the relationship with caravan. So you have a big role to play in that as well, don't you? In that real sort of support for women and the family. Yeah, so I think the first one, when we do like onboard any new beneficiaries, etc., we have like a focus group session with the entire family. So it's just like we mobilize like the women and the family members in one specific household, and then kind of like introduce ourselves, like the, like what caravan is all about, our initiatives. So if we are like in line with like another project, whether it's like British Union Trust or UN Women, tell them about the other partner as well, and say like this initiative is focusing on like, so the skills that you already know of stitching, etc., and you want to take this forward, we'll just be brushing up those skills, giving you more like market color awareness and some business training, so you have the tools of like whenever this project is like after 1 year, you have those tools of social mobility and entrepreneurship to carry on forth yourself. So whether you do it conventionally or online, you have all those tools and training to use whichever, and access the like the helpline of like, oh, I see something misconduct happening around like your constitutional rights, etc. So you know the helpline, etc., that you can call and avail those assistance that you do know, and the other person knows like, oh, this woman knows her rights, like, so I can misbehave like this, so she's going to call 911 or she's call 122 and get the assistance that she needs. So I should be wary of my how I conduct myself. So yeah. And I thought it was very interesting from what I could understand also of the park story. It was more like Sabia was a kind of bystander in that, but she got involved and intervened when she seen another woman being harassed by a man in the public space of the park. Can you tell us a little bit about that, and also just how she found traveling as a woman from city to city or from town to town? Yeah, so I think she said, yeah, so she was an observer, bystander, but then when she saw like this man was making this woman like really uncomfortable by her comments and just like constant staring, etc., so that's when she intervenes, like why are you like making her uncomfortable, etc., can't you see that she's uncomfortable, like I would like you to step away, etc., and if you don't, I'll like call the police, etc. So then the guy was like bad, like, oh, she's gonna call the police, so I better so then he stepped away and like walked away somewhere else. And I think she initially mentioned like initially you just like the community challenge is like the biggest fear is like what will people say, so that kind of like is like the biggest barrier in the first place. So, like it's just like the family members also have this concern, like
like if my daughter hasn't worked ahead before, or she's like the first one to get an education or first one to go out and get such a training, what will the community members say? But then she said, like, if you have more role models, etc., the community also is like, oh, she's not the first one. We have X, Y, and Z examples in front of us, and they're perfectly fine. So we want our daughter or our wife to like have like add some betterment in our livelihood. So it's okay to do that. But I think she's having the importance of having good community models also helps. And then kind of having your own confidence, et cetera, so you make yourself more internally strong of like, you just stay focused on your craft or your profession, et cetera, and don't give, because if people will talk, you can't control what they will say, but as long as your important loved ones are on board and trust you, it's okay to like negate and ignore the whatever other people are saying. Yeah. And also there towards the end, just to give the summary of what recommendations does Sobia give to young women that are either wanting to start their business or just in general regarding the sort of safety aspects and movement around a city? Yeah, I think for safety aspects, she says they, she takes the, she wears an abaya or the dupatta just for her own convenience, etc. Like no one is forcing her to do that, but I think she just feels more safe and secure like walking around that, just like it prevents other people from getting ideas, etc. So that's what she does for them. For the women, she was just saying like just be more, just, she's like, you need to have the internal confidence in yourself to first take the first step to do this thing. So I think it's like, and she just said like recommendations, she said that there needs to be more trainings and awareness sessions so women are more aware of their own rights and saying that this is possible, because if they're sheltered and if they don't know what is out there in the world, they can advocate for themselves. So through these training sessions, etc., and more exposure with the market, with more people from diverse backgrounds, they get more knowledge of like how the world functions, etc., and then they can advocate for themselves and their family and neighborhood much more. And that's of course where Caravan comes in, doesn't it? I mean, of creating this community of more women that are being trained as entrepreneurs and, you know, giving them and building their confidence, you know, and giving them the tools. So it's really important work, Mashal, that of course Caravan Crafts Foundation is also doing. And again, it's wonderful for our collaboration. So thank you for organizing this session, and we really look forward to the next session and hearing from the next wonderful, inspiring entrepreneurs that are in your network. Yeah, looking forward to more. I think each woman has their own diverse experience, so they come up with like some, you will always hear some new nugget as well as reoccurring themes as well. So I was like excited for this collaboration with you as well, Rosina, and looking forward to learning more from our conversations. Absolutely. Thanks again, Mashal. Till the next time.